ओके okay. तो सभी बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग. जितने बच्चे यहाँ प्रेजेंट है, आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखें. तो जैसे बच्चों को पता होगा कि हमने ना केमिकल कैंटी चैप्टर स्टार्ट किया. बच्चों बच्चा इस चैप्टर के बाद हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के बाद बच्चों हम सिंपल बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना. फिर आपका पी ब्लॉक, ओके पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे एंड आपका डी एंड एफ ब्लॉक हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर बाद. तो मेन बात बच्चों में क्या बोलूंगा कि ये चैप्टर बच्चा आपका बहुत खुश होने वाला है, प्लीज आप प्रॉपर से फोकस कीजिएगा. और बस जब आपका नवंबर का महीना आएगा ना, अक्टूबर एंड के नवंबर अक्टूबर एंड के आसपास, तो अभी बोलोगे तो वो आपका पूरा महीना बच्चा आपका खाली ऑर्गेनिक चलने वाला है. तो अभी से बोल रहा हूँ बच्चों, जितने भी आपके फिजिकल केमिस्ट चैप्टर्स हैं आप उन सबका बच्चों फॉर्मूलाज को नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए. फॉर्मूलाज को बच्चा प्रॉपरली माइंड में रखिए और कुछ भी आपको डाउट होता है फॉर्मूलाज को लेकर मुझे पूछे, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा, तब बच्चों आपको वहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली. ठीक है सारे बच्चे, डन ये बात. अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगर मैं प्रीवियस क्लास की बात करूँ तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ाई किया, तो आप बोलोगे सर या बेसिकली हमारे फोर्थ लेक्चर है बच्चा, भी बोलोगे हमने जितना भी बेसिक वाला पार्ट किया था वो हमने कर लिया. ओके रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ओके दूसरा बच्चा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो हमने पढ़ा, है ना. ऑर्डर और मॉलिक्यूलर में क्या डिफरेंस है वो हमने पढ़ाई किया. तीसरा बच्चा हमने क्या पढ़ाई किया, हमने इंटीग्रेटर ऑर्डर रेट इक्वेशन निकाला किसके लिए, फॉर द जीरो ऑर्डर एंड द फर्स्ट ऑर्डर. बच्चों आप ये देखो कि जो हमारा एग्जाम होगा, एग्जाम में मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन बच्चों आपका इसी पार्ट से पूछते हैं. तो मैं समझता हूँ बच्चों कि सारे बच्चे लोग को बेसिक वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया है. क्या सबको रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ऑर्डर, ये सब बेसिक बेसिक आपको सारे बुक को निकालना आना चाहिए. तो बच्चा आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली बच्चों आज हम बेसिकली तीन चीजों खत्म करके कुछ करेंगे. पहला बात कौन सा बच्चों, पहला आपका होगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर होगा, ये बच्चों बहुत सिंपल है, जल्दी खत्म हो जाएगा. दूसरा पार्ट बच्चों क्या होगा हम करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं आपका फर्स्ट ऑर्डर के गैस फेज इक्वेशन, गैस फेज इक्वेशन आज हम करने वाले हैं. ये पार्ट बच्चों काफी है आईएमपी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड थर्ड बच्चों क्या होगा, हम स्टार्ट करेंगे जो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस है रेट ऑफ रिएक्शन वो हम करने वाले हैं, ठीक है ना. तो बच्चा आप ये बोल सकते हो कि आपका आज और कल में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो बेसिक बात क्या बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बस बच्चों ये बात बता रहा हूँ, जो भी आप चीज पढ़ोगे प्लीज प्रॉपर इसको ध्यान से प्रॉपरली पढ़ाई करना, कुछ भी समझना है हम जो प्रॉपरली देखते रहेंगे ना. एंड बच्चों जितने भी आपके फॉर्मुलास हैं वो सारे फॉर्मुलास का बच्चों आपको नोट डाउन करना है और ट्रिक्स जगह बच्चों पता होना चाहिए. मैं वापस बच्चों यहाँ पे मैं वापस बता देता हूँ. देखो अगर मैं जीरो ट्रिक बात करूँ तो बच्चे हम क्या करते हैं, के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है. अगर हम बात करते हैं इसका हाफ लाइफ का तो फॉर्म बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे आर नॉट बाई टू के, तो 2K ऐसा आप बोलोगे यहाँ पे आपका जो हाफ लाइफ है वो आपका इनिशियल कंसिडर डिपेंड करता है. अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करता हूँ तो फॉर्मूला बच्चा क्या होता है, के इज टू इक्वल टू पॉइंट टू पॉइंट 303 टी लॉग आप आर बोलोगे नॉट आर डिवाइडेड बाय आर नॉट ऑफ आर, एस ये बहुत है बच्चों. अगर मैं बात करता हूँ हाफ लाइफ की तो हमने क्या बताया था, जीरो वन पॉइंट सिक्स जीरो नाइन. नाइन थ्री डिवाइडेड बाय के तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, जो आपका 0.693 आता है वो बच्चों कैसा आता है, जब मैं उसको 2.303 को मल्टी करता हूँ लॉग टू के साथ. बच्चे लॉग टू क्या यस होता है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई होता हूँ तब मेरा आपका ये आंसर मेरा आता है, ये आपको पता होना चाहिए. ओके फिर बच्चा हमने क्या देखा था, फिर बच्चा हमने आगे रिएक्शन को कंपेयर किया था कि अगर मैं टी 99.9% निकालता हूँ तो वो कितना टाइम्स होगा टी 90% से, है ना. ये हमने क्वेश्चन निकाला था, ये यस आपका 3 टाइम्स होता है, जो आपका यस टी 19% कितना ये होता है 2 टाइम्स ऑफ टी 90%. तो बच्चों ये जो इक्वेशंस है ये सारे इक्वेशंस को आपको बच्चों प्रॉपरली आपको नोट डाउन होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में ढेरों क्वेश्चन बच्चों इसी पार्ट से आते हैं. इतना पार्ट सबको समझ में आया, अमनदीप, प्रार्थना, निखिल, चिराग, प्रेरणा, बाकी सारे बच्चे बताए जरा. यस सर यस सर तो बच्चा आज हम स्टार्ट करते हैं आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं. चलिए आगे बढ़ते बच्चों.
बच्चों अगर हम देखते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर, अगर मैं यहाँ पे सूडो फर्स्ट ऑर्डर से बताऊँ क्या होता है, देखो सूडो मतलब बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे फॉल्स। ये आपने 10th क्लास में आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, दैट इज सूडोपोडिया, है ना, कुछ आपके अमीबिया होता है उनका फॉल्स लेग होते हैं, तो हम उसे सूडो बोलते हैं, मतलब फॉल्स बोलते हैं। तो ये आता कहाँ से, अब थोड़ा इसको हम देखते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता क्या है, जनरली बच्चे क्या होता है, अगर मैं कोई भी रिएक्शन लिखता हूँ, दैट रिएक्शन से लेके प्रोडक्ट लिखता हूँ, होता है बच्चों कि ये आपका दिखता है कि आपका हायर ऑर्डर रिएक्शन है ना। देखो जनरली क्या होता है, ये आपका हायर ऑर्डर रिएक्शन लिखता है, लेकिन होता है लोअर लोअर ऑर्डर का। इसका मतलब क्या, सपोज करो मैं ऐसा बोलता हूँ कि पीयूष एक बच्चा है, पीयूष एक बच्चा है, वो बोल रहा है कि वो सेकेंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, वो आपका सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, लेकिन जब मैं पीयूष का रिएक्शन करवा रहा हूं तो क्या बच हो रहा है, पीयूष एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। समझ मारा बच्चों, ये पार्ट है ना, ये मैं खाली आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो इसी वाला पार्ट बच्चों आपका है सूडो फर्स्ट पार्ट है, ठीक ना। तो एक बार बच्चों हम इसे पढ़ते हैं और इसको हम थोड़ा समझते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज समटाइम्स अल्टर्ड बाय कंडीशन, कंडीशन से आपका अल्टर हो जाता है, ठीक है। देर आर मेनी रिएक्शन विच ओबे फर्स्ट ऑर्डर लॉ थ्रू आउट दे आर थ्रू दे आर हायर ऑर्डर रिएक्शन, है ना, वो आपका फर्स्ट ऑर्डर को ओबे करते हैं, ऑल्दो वो आपका हायर ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। एग्जाम्पल बच्चे क्या बोला, देखो एग्जाम्पल बोला है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिटेट, जो आपका इथाइल एसिटेट है। बच्चों इथाइल क्या होता है, आप बोलोगे C2H5। बच्चों एसिटेट क्या होता है, आप बोलोगे एसिटेट आयन, दैट इज CH3CWO-, हाँ है ना। तो जब मैं इसको कहूँ क्या हो? ये आपको हो जाएगा इथाइल एसिटेट। तो यहाँ पे इसके बारे में इसके रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना। तो क्या बोला, दो बोला देखो, द इथाइल एसिटेट विच इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन इथाइल एसिटेट एंड वाटर, यह आपका दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, होता है कि बच्चों इन रियलिटी इट इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो क्या बोलो बच्चों, बोलोगे एंड द कंसर्न ऑफ बोथ एंड कंसर्न ऑफ बोथ दैट इज इथाइल एसिटेट एंड वाटर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन बच्चों क्या होता है, अगर मैं वाटर को बहुत ज्यादा ले लेता हूं तो क्या बचेगा, उसका कंसेप्ट फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होता है, हम ये बोलेंगे कि जो रेट होगा वो आपका लोअर पार्ट का आ जाएगा। अब बच्चे क्या होता है, जरा इसको देखते हैं, जरा क्या सबको रिएक्शन दिख रहा है, सारे बच्चे लोग को बताइए जरा, हाँ है ना, दिख यस सर। रहा है। अच्छा तो यहाँ पे देखो देखो, है ना, ये आपका इथाइल एसिटेट, देखो इतना पार्ट CH3CW-, इसे बोलते हैं एसिटेट आयन, इसे बोलते हैं इथाइल पार्ट। तो ये आपका है इथाइल एसिटेट, जब मैं उसको वाटर से हाइड्रोलाइज कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है, मेरा एसिटिक एसिड बन रहा है और आपका इथेनॉल बन रहा है। ये क्या बच्चों, ये आपका है एसिटिक एसिड, या तो हम बोलेंगे इथेनोइक एसिड बन रहा है मेरा, और मेरा यहाँ पे आपका इथेनॉल बन रहा है, ये आपका बन रहा है। अब देखो इसका कितना मोल था बच्चों, ये आपका 0.01 मोल है, इसका 10 मोल है, ओके। तो हो क्या रहा बच्चों, जब आपका रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपका जो एसिटिक एसिड है ये भी आपका 0.01 मोल बन रहा है और ये भी आपका इतना ही बन रहा है। तो हो क्या, देखो देखो द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट अल्टर्ड मच ड्यूरिंग द रिएक्शन, है ना, रिएक्शन के अंदर आपका वाटर का कंसंट्रेशन आपका ज्यादा अल्टर नहीं हो रहा। सो सच रिएक्शन बिहेव एज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से बिहेव करता है। इससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और ऐसे पे बच्चे सारे बच्चों लोग के पास कि नहीं आया, अगर आया तो आप थम्स अप डालिए, अगर नहीं आया तो अपना हैंड रेस कीजिए। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझो इस बात। करमप्रीत, अमनदीप, चिराग बताइए, आया, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपका वाटर का कंसर्न ज्यादा है ना, तो इसमें आपका ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। अब सिंपल से बात है ना, अगर मैं 1,000 रुपये में से 10 पैसे खर्चा कर दूं, क्या 1,000 रुपये में कुछ चेंज आया, उसका भी कुछ चेंज आया, अब बोलोगे कुछ भी चेंज नहीं आया, उस फर्क नहीं पड़ रहा है।
तो बच्चों क्या बोलोगे ऐसे रिएक्शन? बच्चों ऐसे रिएक्शन बोलते हैं फर्स्ट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सारे बच्चों लोग समझ आ रहा है? बच्चों एक बार बताइए जरा, रजिया, सक्षम, कलमप्रीत, मीनाक्षी बेटा, त्रिलोक। अगेन नहीं आया तो कोई बात नहीं, प्लीज समझो इस बात को। देखो मैं वापस पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दो। देखो देर आर मेनी रिएक्शन विच ओबे फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ ऑल थ्रू, दे आर हायर ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कि वो हाई ऑर्डर का होता है, सेकेंड थर्ड होता है। लेकिन बच्चे का देखो देखो होता है यहाँ पे ना एग्जाम्पल गया देखो, बट वन वॉटर इज टेकिंग लार्ज एक्सेस, जब मैंने वॉटर को ज्यादा लिया है ना फॉर हाइड्रोलिसिस, द कंसेंट्रेशन वॉटर नॉट अल्टर्ड मच ड्यूरिंग द रिएक्शन, है ना, इसका कंसेंट्रेशन में चेंज नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है इज अफेक्टेड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसिड ओनली। तो क्या होगा अभी देखो, सिंपल सी बात है, मान के चलो एक है निखिल एक है त्रिलोक, है ना, दोनों लोग जा रहे हैं घूमने, मान के चलो जा रहे हैं, मैं बोलूंगा कि वो जा रहे हैं जलंधर से दिल्ली, सपोज करो, है ना, तो क्या बैठा है बच्चे बच्चों? आप बोलोगे बाइक पे हमारे दो लोग बैठे हैं, कौन? निखिल एंड त्रिलोक। बाइक चला कौन रहा है? बाइक चला रहा है त्रिलोक, ठीक है ना। अब क्या बच रहा है? 200 किलोमीटर रास्ता है, हमेशा देखो रहने के दो लोग हैं लेकिन बाइक चला कौन रहा है? आप बोलोगे सर खाली त्रिलोक ही चला रहा है ना, निखिल तो वैसे वैसे बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे गाड़ी को चलाया किसने? आप बोलोगे त्रिलोक ही चलाया है ना, तो गाड़ी स्पीड हो रहा है या स्लो हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो खाली डिपेंड कर रहा है आपका त्रिलोक। तो इसे हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिखता बड़ा है लेकिन है एक्चुअली में। आया बच्चों एग्जाम्पल? अगर एक सिंपल वैसे आपको समझने की कोशिश किया मैंने, पक्का आ गया? प्रियांशु, रजिया, प्रवीण, सक्षम, कर्मप्रीत, सुनेहा, पक्का इजी? तो बच्चों देखो ये जो आपका रिएक्शन है इस रिएक्शन में नोट कर, देखो एक तो है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिटेट एंड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, इसे आप लिख लीजिए। देखो अब देखो बोलो ये देखो ये आपका रिएक्टेंट पार्ट है ना बच्चों, रिएक्टेंट में दो पार्ट है, शुगर भी है वाटर भी है, लेकिन जो आपका रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो खाली डिपेंड कर रहा है शुगर पे, कंसेंट्रेशन पर है, दो लोग लेकिन डिपेंड कर रहा है एक के ऊपर, तो इसे बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप सारे बच्चों लोग यहाँ पे समझ में आ गए पार्ट। कनिका, अमनदीप, प्रेरणा, अनमोल, आया? पक्की बात है? इजी? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं समझता हूँ कि बाकी सारे बच्चे लोग के यहाँ पे कोशिश समझ में आ, ठीक है ना, तो खाली यहाँ पे आपको खाली इतना पार्ट समझ, ये पार्ट बच्चा आ गया। अब बच्चन के देखते हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं आपके क्या बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले आपका फर्स्ट ऑर्डर गैस रिएक्शन। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस बार जेडल की बात करूं या 2022 से लेकर 2024 की बात करूं, तो बच्चा ये बोलोगे कि इस पार्ट से बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ से बच्चों? गैस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। अब बच्चों मुझे बताओ कितने बच्चों लोग को ये आपको आता है, हैंड स्क्रो कितने बच्चों लोग को ये आता है पहले ये मुझे बताओ, ये पढ़ाता है कलम थोड़ा प्रीत? थोड़ा लगा सर, पर डाउट है इसमें। डाउट, ठीक है। अमनदीप, अनमोल, मीनाक्षी, प्रियांशु, निखिल, बाकी सारे बच्चे आता है ये पार्ट? नो सर, ओके नो सर। तो सारे बच्चे यहाँ पे देखो है ना, हम क्या बोलते बोलेंगे ये आपका है रिएक्टेंट पार्ट, जो आपका ए गैस फेज में, गैस में जो क्या होगा प्रेशर वाला टाइम आ जाएगा, तो बोलोगे ए से क्या बन रहा है? ए से बन रहा है बी प्लस सी, ओके ए से आपका बी प्लस सी बन रहा है, ये भी गैस है भाई साहब, ये भी गैस है, सारे गैस वाले पार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ जब भी मैं यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट निकालता था तो बच्चा हम किसकी बात करते थे? हम ऑलवेज रिएक्टेंट वाले साइड की बात करते, राइट है ना, हम ऑलवेज रिएक्टेंट, सॉरी हम खाली ऑलवेज रिएक्टेंट के वाले की साइड की बात करते थे। कैसे बच्चे यहाँ पे देखो 2.303 बाय k, तो टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, ये आपका है इनिशियल, ये आपका टाइम टी के बाद कितना आपका बचा हुआ है,
ये आपका रिलेटिव की बात करते राइट, ये वाला। तो सेम बच्चों यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, है ना। जब आपका क्या था बच्चों, था जब आपका टाइम था जीरो, जब का टाइम जीरो था तो क्या बोलोगे, कंटेनर में खाली एक ही गैस था, तो मैं बोलूंगा ए का कितना प्रेशर होगा, आप बोलोगे ए का प्रेशर होगा पी आई, ए का आपका इनिशियल प्रेशर पी आई होगा राइट, हाँ है ना। आप ये बोलोगे बी नहीं बना होगा और सी भी आपका बना नहीं होगा, बिकॉज जब टाइम इनिशियल टाइम था। अब बच्चों क्या हुआ देखो जरा, जैसे आपका टाइम क्या बच्चों गया, टी हो गया, जैसे आपका टाइम क्या हो गया बच्चों, टी हो गया, तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप ही बोलोगे ना, ये बच्चों क्या होगा आप बोलोगे, आप बोलोगे आपका इनिशियल बच्चों घट जाएगा, कितने से बच्चों घट जाएगा, आप बोलोगे पी आई माइनस एक्स, है ना, एक्स के टर्म से घट जाएगा राइट बच्चों, एक्स क्यों बचा, बिकॉज यहाँ पे स्टोइकोमीटर वन है तो एक्स से घट गया। बच्चों बी कितना बना होगा, बी बच्चों कितना बना होगा, आप बोलोगे, बोलो बच्चे कितना बना होगा, एक्स बना होगा, एक्स बना होगा। बच्चों सी कितना बना होगा, सी भी आपका एक्स बना होगा, हाँ या ना, बताओ जरा, है यस सर। ओके, तो बच्चों ये एक्स बच्चों कैसा है, ये आया बच्चों इस पार्ट से, देखो यहाँ वन था इसलिए मैंने वहां लिखा वन एक्स, यहाँ पे वन तो यहाँ पे आपका एक्स बना। अब बच्चों मैं अभी मानता, मैं बच्चों ये मान के चलता हूँ, जब टाइम टी था, अब बोलोगे ये क्या बच्चों, ये आपका है प्रेशर ऑफ ए, दो सेकंड बच्चों, दो सेकंड, दोस्तों रुकिए बच्चा, सॉरी बच्चों है ना थोड़ा सा अर्जेंट कॉल आ गया, कोई बात नहीं। तो बच्चा मैं ये बोलूंगा यहाँ पे देखो जरा, ये देखो आप ये बोलोगे पीए कितना बच्चों है, ये आपका है प्रेशर ऑफ, जब आपका टी था तो ये प्रेशर ऑफ ए था, एक्स से बच्चों ये आपका प्रेशर ऑफ बी होगा और ये होगा प्रेशर ऑफ सी। अगर बच्चों मुझे कंटेनर का निकालना है टोटल प्रेशर, तो बच्चा क्या होगा पी टोटल बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, होगा सारे बच्चों बताओ जरा, यस सर। अब देखो बच्चों हमारा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में क्या बच्चों देखो, आप बोलोगे ये पूरा पार्ट आपका रिएक्टेंट वाला पार्ट, तो हमारा इक्वेशन बच्चा क्या होगा, अब हमारा ऐसे रिएक्शन हो सकता है, देखो के इज इक्वल टू 2.303 पाई टी लॉग क्या होगा, इनिशियल प्रेशर माइनस फीडबैक क्या होगा, प्रार्थना पी आई माइनस एक्स, हाँ हाँ एकदम सोला बोलोगे, ये आप होगा आपका पी आई माइनस एक्स होगा, थैंक यू बेटा प्रार्थना पत्र बताने के लिए ना। अब बच्चों के लिए हमें यहाँ पे एक्स निकालना है, एक्स बच्चों कैसे यहाँ पे देखो, देखो ये आपका पी टोटल है, ओके ये देखो पी ए कितना बच्चों, ये आपका है पी आई माइनस एक्स, पी बी कितना बच्चों, ये आपका एक्स है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, प्लस पी सी कितना बच्चों, ये भी आपका एक्स, तो आपका P टोटल बच गया जगह कट गया, तो क्या बनेगा, आप बोलोगे आपका P टोटल आ गया पी आई प्लस एक्स, हाँ है ना बच्चे, बताओ जरा ये होगा कि नहीं होगा, बताइए जरा, होगा सारे बच्चे आ रहे सारे बच्चे लोग, ओके यस सर। तो बच्चों अगर आपको अभी यहाँ पे x निकालना है, x बच्चे क्या हो जाएगा, आप बोलोगे x आ जा हो जाएगा P टोटल माइनस पी आई, सिंपल सी बात है। अब बच्चों क्या होगा, इसको आप यहाँ पुट करो एग्जाम्पल, तो क्या बच्चों पर ऐसा फॉर्म बनेगा, ब्रैकेट में P टोटल माइनस पी आई, है ना बच्चों, ब्रैकेट ओपन करो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस 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 और ये जो प्लस हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन बच्चों क्या बना, आपका इक्वेशन बन गया K इज इक्वल टू 2.303 पाई टी लॉग पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टोटल, तो क्या बच्चों बन गया, ये आप ये मेरा बन गया आपका फॉर्म, ये आपका फॉर्मूला देखिए सर, इतना सब क्वेश्चन में बच्चों, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया,
आपके पास इनिशियल प्रेशर है और आपके पास फाइनल प्रेशर है, तो आप बच्चों डायरेक्ट बच्चों वाले पुर को आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सुने हैं बिटाया, कलम पे बिटाया, क्वेश्चन के हमने कैसे किया बताइए जरा। यस बताए सारे बच्चे लोग, आया ना रिपीट करवा, ठीक है बताए सर बच्चा आ रहा है पार्ट, हाँ या ना? यस सर। यस सर। डन। और कोई बात नहीं, एक काम को कलम पर बेटा अभी आप थोड़ा यहाँ पे देखो, सारे बच्चे इसको बच्चे नोटडाउन कर लो, ठीक है ना, सारे बच्चे इसको नोटडाउन कर लीजिए एंड देन फिर बच्चे क्या करो हमें, जैसे आपके पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे बच्चे पार्ट खत्म हो जाएगा क्वेश्चन के तो आपको और समझा दो, तो आपको आराम समझ में आएगा। अभी आप खाली इसको नोट डाउन कर लीजिए हम यहाँ पे कैसे करते हैं, ठीक है। हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे लोग, ये पार्ट देखिए जरा प्रॉपरली, एक बार सारे बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन के तो आपको ऑटोमेटिक सारा पार्ट आ जाएगा। प्रेरणा, अमनदीप, अनमोल, आया बेटा सबको ये पार्ट? यस सर। देखो मेरे पास देखो एग्जाम में क्वेश्चन के साथ अभी आप खाली फॉर्मूला नोट कर सकते हो, या तो देखो या तो आप ये फॉर्मूला कर लो या तो आप पी आई माइनस एक्स वाई ये पार्ट कर लो, ये दोनों में से कोई कर लो, या तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला, आपका एग्जाम में क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाएगा। थोड़ा वेट करो आपको क्वेश्चन दिखाता, सबका ये पार्ट हो गया सारे बच्चे लोग कलम पे थोड़ा वेट कीजिए, आपको दूसरा क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, ढूंढ दो। चलिए प्रार्थना, त्रिलोक, कनिका, अमनदीप, बताइए, गगन आ रहा है? यस सर। यस सर। तो देखो हम बच्चों हमने यहाँ पे ये हमने ऐसे बच्चों हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना, तो बच्चों ये ध्यान रखना एग्जाम में रट्टा बच्चों बिल्कुल मत मानना, इसे आप अपने आप ही सॉल्व करना। क्यों बच्चों बता, देखो ये रहा इसका, ये रहा इसका रीजन, देख सकते हो सारे बच्चों लोग क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, ये सेम क्वेश्चन आपका बच्चों जेई में आया है, तो बच्चे क्या बोला, देखो बोला गया ये आपका फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज इक्वेशन है, जहां से आपका ए से बी प्लस सी बन रहा है, तो बच्चे यहां बोला गया कि आपका रेट कांस्टेंट का इक्वेशन में से क्या होगा वो आपको बताना है। समझ में आ रहा बच्चों कैसे कर रहे हैं? निखिल बोल रहे हैं ऑप्शन वन, बाकी सारे बच्चों बताओ जरा। कलमप्रीत बोल रहे ऑप्शन टू, बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे बताइए जरा। यस सर, सेकंड ऑप्शन। तो मेरे पास दो एक्स वाला पार्ट क्या बच्चों, ये आपका तब उसका जब क्वेश्चन भी होने ना, अभी बच्चा पे आपका इक्वेशन बनाना है, तो बच्चा क्या, और हाँ ये हो सकता है लेकिन अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो बच्चे का आपको यहाँ पे ऑप्शन टू को टिक करना, ये आपका ज्यादा बेटर है, बिकॉज हमने क्वेश्चन किया मतलब टू पी आई माइनस पी आई पी टी लिखा था, तो ये अगर आपका टोटल पे शिग्यून बच्चों तो आपको इस पार्ट को कनेक्ट कर सकते, तो आप बोलोगे ऑप्शन टू आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अभी बच्चों अगर हम वापस इक्वेशन डिराइव करेंगे, थोड़ा वेट करो आपको प्रॉपरली हर पार्ट आएगा, थोड़ा वेट कीजिए। तो क्या बच्चे क्या बोलोगे, बोलोगे ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। समझ मारा बच्चों, बताइए जरा। यस सर। यस सर। अगर मान के चलो एडवांस पेपर है ना और आपका दोनों क्वेश्चन बन रहा तो आप वन कैसे कर सकते हो, लेकिन वन कैसे कर सकते हो, लेकिन अगर आपका एमसीक्यू है तो खाली टू आना चाहिए, जी एडवांस में से क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपको वन भी शायद टिक करना पड़ सकता है, अगर आपको बोलेंगे एक्स के टर्म में बताओ तो देखना पड़ेगा, ठीक है ओके चलेंगे। क्या ये दिख रहा है आपको सारे बच्चे क्वेश्चन बताओ जरा, हाँ या ना? Yes. तो yes. सारे बच्चे देखो अभी यहाँ पे आपको आपको के क्यों निकलना, कैसे निकालोगे, अगेन जो आपने मेथड समझा था उससे करना पड़ेगा। देखो सारे बच्चे आप ही बोलोगे टू एंड टू ओ फाइव, कलम प्रीत बेटा यहाँ पे समझ जाओ सारे बच्चे,
सारे बच्चे समझो यहाँ पे क्या होगा, देखो सारे बच्चे 2 and 2 5 gives 2 and 2 4 plus O2. बच्चा आपका इनिशियल प्रेशर क्या है, जब टाइम जीरो था आपका इनिशियल प्रेशर है 0.5. फिर बच्चा क्या हुआ, जब का टाइम 100 हो गया तो ये रहा आपका टोटल प्रेशर, ये आपका टोटल प्रेशर बना, मतलब एक जगह क्या बच्चों ये आपका है टोटल पीटी वाले दिया गया। आगे मेरे पे बच्चों हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, हम इक्वेशन खाली आपका रिएक्टेंट वाला पार्ट को लिखते हैं, हम यहाँ पे टोटल प्रेशर लिखते हैं। तो इक्वेशन बच्चों कैसे बनेगा देखो जरा, जब आपका क्या था बच्चों, जब टाइम था 0 सेकंड, जब आपका टाइम था 0, अब बच्चा क्या बोलोगे, आपका प्रेशर था 0.5, ये क्या हो चुका, ये 0 होगा और ये भी 0 होगा, हाँ ना बताओ जरा, होगा सारे बच्चे बताओ। यस सर। फिर बच्चे क्या हुआ देखो जरा, जैसे आपका टाइम हो गया टी मान के चलो ये आपको 100 सेकंड हो गया, तो बच्चा क्या बोलोगे, जो आपका इनिशियल से क्या बच्चों इतना घट जाएगा, बच्चों कितना घटेगा आप बोलोगे 0.5 minus 2x। बच्चों मैंने यहाँ पे 2x लिया बिकॉज यहाँ पे आपका स्टोशियल कोफिशिएंट है, ये आपका 2 है, तो यहाँ मैंने 2 से माइनस किया। तो मेरे प्यारे बच्चा N2O4 कितना बना होगा, ये बना होगा 2x, और O2 बच्चा कितना बना होगा, ये बना होगा x, हाँ है ना बताओ सारे बच्चे बताइए, हाँ है ना होगा। यस सर। तो देखो मैं बोलूंगा कि ये मेरा है रिएक्शन, तो बच्चों हम खाली रिएक्टेंट वाले पार्ट को कंसीडर करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, k इज इक्वल टू 2.303 पाई टी लॉग 0.5, ये आपका इनिशियल है और फाइनल नीचे आएगा 0.5 minus 2x, हाँ या ना बताइए जरा होगा बताइए। यस सर। अब बच्चों देखो ये क्या बताओ, क्या ये आपका प्रेशर ऑफ ए है, ये आपका प्रेशर ऑफ बी है, और ये आपका प्रेशर ऑफ सी है, डन हाँ है ना बताओ पक्की बात। तो ये आपका बन गया, ये आपका बन गया। तो बच्चों देखो ये आपका है टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना बच्चों देखो पीटी क्या होगा, ये होगा प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी, पी टोटल आपका है 0.512, पी ए कितना बच्चों, पी आपका है 0.5 minus 2x, पी बी कितना बच्चों, पी बी आपका है 2x, और पी सी कितना बच्चों आपका x है। तो आप बच्चे क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, होगा आप ये बोलोगे अभी आपको ने x निकालना है, x बच्चा क्या आएगा 0.512 = 0.5 + x, आपको x निकालना है, बिकॉज आप अगर आप यहाँ पे एक्सेल पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो x के बच्चों क्या होगा 0.512 - 0.5, कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.012, होगा मेरे प्यारे बच्चों बताओ जरा हाँ या ना सारे बच्चे। यस सर। यस सर। x आपका आ गया 0.012, एक्सेल पुट करो यहाँ पे 0.012 है ना, आप क्या करो सॉल्व करो इसको, जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो जरा है ना 2 into 0.012 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर दिया मैंने इसको 0.50 से, तो मेरा आंसर बच क्या रहा है, मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है k इज इक्वल टू 2.303 बाय 100, टाइम 100 आपका दिया गया क्वेश्चन के अंदर, लॉग 0.5 डिवाइड बाय 0.5 minus 0.024, इससे वो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.41476। तो ये वाली यहाँ पे एक बच्चों हम देखो 0.5 divided by 0.476, आपका आंसर बच्चों कितना पता कितना आएगा, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा लॉग में आ जाएगा लॉग 1.050 है ना। अभी आप इंस्टॉल करो, अभी जब इंस्टॉल करोगे तब आपका आंसर क्या आएगा देखो जरा, आपका आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ लॉग 1.050 मल्टीप्लाई बाई 2.303 डिवाइड बाई 100, बता मेरे बच्चों मेरा आंसर आ रहा है 0.000
4, 8, 7. अब बच्चे क्या करूं मैं, 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट पढ़ लेंगे तो क्या आंसर आया, 4.87 × 10⁻⁴. ओके ये मेरा आंसर है, चेक करते हैं आंसर क्या, देखो जरा राइट आंसर बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना बताए जरा, आया सर बच्चे? देखो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे जो एनसीआर नहीं दिया बच्चों, हमने उसको नहीं मेथड किया, देखो फिर भी तो बच्चों हमारा एकदम राइट, एकदम हमारा बच्चों देखो हमारा एक्यूरेट आंसर आया, प्रॉपर एक्यूरेट आंसर आया। देखो ये आपका ये मेथड है जो कि हमने किया, और ये मेथड आपका दिया एनसीआरटी। अगर आप बच्चों एनसीआर टी बात को थोड़ा आपका लेंथी प्रोसेस होगा, अगर आप प्रॉपर समझ जाओगे तो ये देखो आपका आंसर आ गया। सबको ये पार्ट समझना है मेरे प्यारे बच्चों, हम कैसे कर रहे हैं बताइए जरा, हाँ या ना? यस सर। तो ऐसा बच्चा आपका ये आपका आंसर 0.746। देखो 476 है हमारा, कितना आया था बच्चों हमारे भी आधा 0.476। देखिए सब सेम ही आंसर है ना, सेम है कि नहीं बताइए जरा, कलमप्रीत, कनिका, नवनदीप, अमोल, सुनेहा, निखिल, बाकी सारे बच्चे बताइए सही है? यस सर। तो मैं क्या बोलूं बच्चों, आप है ना समझ कीजिए, आपको फॉर्मूला डेव तो फॉर्मूला डेव कीजिए, समझ गए तो आपका सारा आंसर, आपको एक्स निकालना है और आपका वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। तो सारे बच्चे प्लीज इस बात बच्चों इस पॉइंट को प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए, फिर बच्चों आगे बढ़ो। हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे किया आप यहाँ पे प्रॉपरली नोट डाउन कर सकते हो, प्लीज आप कीजिए, जो भी सब समझ में आए तो मुझे पूछिएगा प्लीज। सारे बच्चों लोग कीजिए बच्चों, अगेन जेडब्ल्यू बच्चों ढेरों सारा क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछा, ढेरों क्वेश्चन। अभी मैं आपको इस साल का लेटेस्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा, बच्चों अगर आपको हो जाए तो प्लीज आप थम्स अप डाल दे, प्रार्थना, सुनेहा, कलम प्रीत, बाकी सारे बच्चे तुम आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चंस को करके, है ना? यस सर। अच्छा ये बताइए संडे जो आपका टेस्ट होता है कैसा गया आपका टेस्ट, ये तो पूछा ही नहीं मैंने। केमिस्ट्री इजी लगा सर, जिसमें मतलब जो लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं जिनमें सॉल्व करके डिजिट रखनी होती है सर, वो वाले क्वेश्चन ना हो नहीं पाते, मतलब थोड़े बहुत होते हैं पर सारे नहीं हो पाते। हाँ कोई बात नहीं, अगेन मैं आपको और बता रहा हूँ, ये ध्यान दो ये तो आपका अवंधीय टच है ना, अगर मैं बोलूँ ना अगर आपका जे की बात करोगे ना बच्चों, जेडब्ल्यू में बच्चों 10 आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन मिले बच्चों, आपको 10 में 10 नहीं करने, 10 में से मैक्सिमम 5 करना है, अगर आपका 5 में से 2 या 3 में सही हो रहा है ना बच्चों तो अच्छी बात है, लेकिन ट्राई करो कि केमिस्ट्री में आपका 3 से 4 सही होना चाहिए, केमिस्ट्री अगर आपका 10 ऑप्शन है तो 10 में से 3-4 होना चाहिए केमिस्ट्री में, ये बता रहा हूँ, और वो हो भी जाएगा। अगेन बोल रहा हूँ जो इजी क्वेश्चन उसको करो, हार्ड क्वेश्चन को अवॉइड करो, नहीं आता मुझे मैसेज करो, मैं आपको वहां पे गाइड करूँ, ठीक है? समझे सारे बच्चे? यस सर। यस सर। तो सारे बच्चे यहाँ पे देखिए जरा ये क्वेश्चन देखो बच्चे, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है इस साल 2024 का पेपर है, ये आपका 31 जनवरी पूछा गया, बोला क्या बच्चों आपको बताना है इंटीग्रेट रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर
गैस वेर पी आई इज द इनिशियल प्रेशर, पी टी इज द टोटल प्रेशर, आपको इक्वेशन बनाता है। और बच्चों आपको यहाँ पे डिफॉल्ट बच्चों मान लेना है, इक्वेशन बच्चों क्या होगा, इक्वेशन आपका होगा ए से बनाना है बी प्लस सी। बता बच्चों कौन सा इक्वेशन आएगा, एकदम सिंपल है। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताइए हमने कौन सा इक्वेशन बनाया था थोड़ी देर पहले, सेकंड वाला सर। पक्का सेकंड? नहीं, तो बच्चा हमने क्या, हमने यहाँ पे फर्स्ट बनाया, हमने यहाँ पे पहला इक्वेशन बनाया, तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट आंसर। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, सक्षम कनिका बाकी सारे बच्चे रिस्पॉन्ड कीजिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, प्लीज समझो इस बात, डन है। देखिए बच्चों देखो 2024 से लेटेस्ट इस साल का पेपर है, 2024 का पेपर है। और दिखा दो बच्चों देखो जरा, ये दिख रहा है अगेन, क्या पूछे देखो जरा, एक दिन बाद देखो, एक दिन बाद वही पेपर आया, खाली फर्क पता क्या बच्चों, खाली फर्क ये है यहाँ पे अभी आपका स्टोइकोमेट्री चेंज हो गया और कुछ नहीं। देखिए समझ में आया मेरे प्यारे बच्चा, प्रार्थना सुनेहा कलमप्रीत सक्षम मीनाक्षी अमनदीप अमन एंड प्रेरणा बाकी सर बच्चे, yes, ये देखो yes. ये आपका 31 के पेपर है, 31 जैन का, ये आपका है फर्स्ट फेब का। इसका मतलब क्या बच्चों, अगर आपका पेपर इसके बाद बच्चों क्या रहा है, जो आपका पेपर रेगुलर हो रहे हैं बच्चों, आपका यहाँ पे पेपर का जो पैटर्न है वो क्या हो रहा है, वो आपका रिपीट हो रहा है, ये ध्यान दें, पेपर का पैटर्न आपका रिपीट होता ही हमेशा होता है। तो जो बच्चे लोग का लास्ट लास्ट दिन एग्जाम होता है ना, तो वो थोड़ा बेनिफिट में होता है, वो क्वेश्चन निकाल के थोड़ा क्वेश्चन ट्राई करते तो हो भी जाता है उनका, तो जिनका ट्राई करो कि हाँ, लेकिन ये बात क्या बच्चों, जो फर्स्ट डे होता है उनका पेपर इजी आता है कंपेरेटिव। अब बच्चों ट्राई करो इसका आंसर क्या है, मुझे ट्राई करके बताओ क्या आंसर है, सारे बच्चे इसका आंसर आप यहाँ पे ट्राई कीजिए। अगर बच्चों ट्राई भी करो कि आपका आंसर कितने में आ जाए बच्चों, आपका आंसर आ जाए कम से कम 2 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए, कोई समझो, एंड आपका टाइम शुरू होता है अब, सारे बच्चे करना स्टार्ट कीजिए, कम ऑन सारे बच्चे करना स्टार्ट कीजिए, चलिए कम ऑन कीजिए। स्टोइकोमेट्री को खाली चेंज के बी वाला पार्ट को और सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन, कम ऑन सारे बच्चे ट्राई कीजिए, कम ऑन बच्चों मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, कम ऑन कीजिए। कीजिए मेरे प्यारे बच्चों लोग, बच्चों 1 मिनट और बचा है, कम ऑन फास्ट फटाफट ट्राई कीजिए। देखो प्रार्थना प्रार्थना बेटा, देखो ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, अगेन बच्चों एग्जाम में इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, लेवल इससे ज्यादा नहीं आने वाला, पक्की बात है, कीजिए कम ऑन। बच्चों कुछ टाइम बाद मैं करना स्टार्ट करूंगा ना, चलो और आप ये देखिए, ये आपको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना, ये आपको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना, ये ध्यान। पंद्रह सेकंड और देता हूं जिसका भी आंसर है जल्दी कीजिए, कम ऑन।
चलिए बच्चा आप लोग का टाइम पूरा हो चुका है, अब मैं करना स्टार्ट करता हूँ। चलिए प्रार्थना का गया 4.3, ठीक है जल्दी मैं कभी करता। देखो जरा देखो नया टाइम स्टार्ट करता हूँ। देखो कैसा बचा आप देखो, ए से बी प्लस सी बन रहा है तो मैं बोलूंगा यहाँ पे जब आपका टी हो जाएगा 115 है ना, तो मैं क्या बोलूंगा 0.5 माइनस एक्स होगा, बी होगा 2x, सी होगा एक्स, तो टोटल बच्चे बच्चे कितना हो जाएगा ये कैंसल 0.28 इज इक्वल टू 0.1 प्लस 2x। इसके यहाँ पे कितना आएगा 0.2x माइनस 0.1 ये आ जाएगा 2x, 0. ये बनेगा यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 0.18 ओके इज इक्वल 2x। x मेरा कितना आ जाएगा, x मेरा आ जाएगा कितना बच्चा आ जाएगा, x मेरा आ जाएगा 0.09 है ना, ये मेरा आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, t इज इक्वल टू टू सॉरी k इज इक्वल टू 2.303 बाय t कितना है 115 log इनिशियल प्रेशर कितना है 0.1 और फाइनल कितना बच्चा मेरा यहाँ पे मेरा आ रहा था 0.1 माइनस एक्स, ये मेरा आंसर आता है 0.1 बिकॉज ये मेरा टाइम t का प्रेशर है। x कितना बचाया, x मेरा 0.09 आ गया। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 0.1 को 0.09 से माइनस करता हूं तो मेरा आंसर क्या, मेरा कितना आंसर आ रहा होगा बताइए जरा, बताइए कम ऑन इजी पार्ट है, ऐसा सॉल्व हो जाना चाहिए, बोलो। कितना आंसर आएगा 0.01 आएगा यस, तो यहाँ पे आएगा 0.01। इसको आप से सॉल्व करोगे दो टाइम देखो जरा है ना, देखो 0.1 मतलब बच्चे क्या होता है 1/10, तो इसको लिखता मैं लिखता हूँ 1 × 10। 0.0 मतलब बच गया होगा 1 × 100, ये कट गया log 10 बचा 1 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आपका 1 हो जाएगा, तो क्या बचा k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 115 यही होगा, सिंपल सी बात है। अब आप इसको थोड़ा अभी आप थोड़ा यहाँ पे अभी थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, तो 2.303 डिवाइड बाई 115 कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 0.0200 है ना, आपको रिजल्ट के माइनस 2 क्या होगा 1 2, तो 2 × 10 के पर माइनस 2, तो आप बोलोगे आपका आंसर आ रहा होगा, आपका आंसर आएगा 2 आंसर। देखो मैंने कर लिया, हाँ ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज किया, लेकिन ऐसा ऐसा फास्ट करना पड़ेगा, देखते आंसर क्या है। यस देखिए आ रहा है बच्चे समझ में कैसे किया मैंने, देखिए जरा कलमप्रीत बाकी सारे बच्चे देखिए जरा, तो मेरा कहने मतलब के बच्चों आपको देखो आपको अपना केमिस्ट्री को इक्वेशन को इतना फास्ट करना पड़ेगा, आपको आप वहां पे ये सोच सकते हैं कि मेरा फॉर्मूला क्या होगा, आपके माइंड में बन जाना चाहिए कि हाँ इनिशियल अपर फाइनल होता है, तो फाइनल तो आपको इक्वेशन बनाना मिले फास्ट करना आता, तब देखो बच्चों तब जगह आंसर आएगा। और बच्चों मैंने तो अभी आपको यहाँ पे इसको मैंने डिवाइड किया है ना कैलकुलेटर, तब जाके मेरा आंसर आया, तो वहां तो आपको करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस बच्चों क्या देखो आपको इस क्वेश्चन को आराम से भी करोगे ना, आराम से भी करोगे तो भी आपका 2 से 3 मिनट जला जाएगा, तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को आपको लास्ट में करना है, इनिशियली नहीं करना। अब बताओ क्या सबको ये पार्ट समझ में आया, हमने कैसे किया ये पार्ट बताइए जरा। देखो आपको आंसर चाहिए था 10^-2 चाहिए, मेरा आंसर ये आया है ना, तो क्या होगा देखो 1 2 डिसिमल पॉइंट आगे जाओ ना तब मेरा आंसर आएगा, तो बोलोगे यहाँ पे मैं 2 आंसर आएगा, तो देखो ऐसा क्वेश्चन में एग्जाम आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम, ये आपको समझना पड़ेगा। जतिन सक्षम त्रिलोक सुनेहा चिराग प्रेरणा आ रहा है बताइए पक्का, ओके ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए आगे तो पूछो, देखो ये सेम क्वेश्चन पूछा दो जरा, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन पूछे, देखो क्या पूछा है 6 अप्रैल को T99% कितना हो रहा है, ये कंपेयर करना आपको T90% से, ये तो हमने कर चुका है यहाँ पे, तो 3 आंसर आता है, ये तो हमने कर चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चंस, हाँ ये दिख रहा है सारे बच्चे देखो जरा, बच्चे लोग देखो जरा 24 का पेपर है 27 जन का, हाँ कलम बोलो सर, जो ये दिया हुआ यूर इनपुट और ये नंबर लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या होता है, इनपुट मतलब क्या होगा
कि जब आपका यहाँ पे इंटरफेस होगा, देखो मान के चलो आपका ऐसा इंटरफेस आएगा, आपका एग्जाम में विंडो एग्जाम में ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको यहाँ पे विंडो दिया होगा, ऐसा ब्लैंक दिया होगा, इस ब्लैंक में आपको ना आंसर भरना पड़ेगा। कैसे बच्चों? वहां पे एक आपका एक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, ओके, और आपको माउस से वहां पे दबाना, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे मान लीजिए 3 आंसर है आपका, आपका 3 आंसर आया, तो आपको माउस के हिसाब, माउस में आपको यहाँ पे 3 दबाना होगा, 3 दबाया तो यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ पे आपका 3 आपका मार्क्स आपका रजिस्टर हो जाएगा, 3 आपका ऐसा ऐसा होगा। समझिए बेटा कलम पे? यस सर। ऐसा होगा। अब देखो ये इससे ये क्वेश्चन देखो जरा, एक क्वेश्चन आपका ये आपको T19.9 को कंपेयर करना है T½ से। बच्चों अगेन आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से कीजिए, कम ऑन सारे बच्चे, और बता क्या आंसर आ रहा, फिर मैं आपको बताऊं मैं कैसे कर रहा हूं। कम ऑन कीजिए सारे बच्चे, कनिका, अमनदीप, अमोल, अनमोल, कलमप्रीत, सुनेहा, प्रेरणा, चिराग, अनुभा के सारे बच्चे, जतिन, मीनाक्षी, कम ऑन, कंपेयर करना है T99.9 से T½ फर्स्ट ऑर्डर की एग्जाम। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप सोचो बहुत ज्यादा हार्ड पेपर है, नहीं हार्ड नहीं आता, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए आप किस वे से करोगे, ऑटोमेटिक आपका आंसर आएगा, पक्की बात। कम ऑन कीजिए, मीनाक्षी ये बोलो उसका 10 आंसर आ, ठीक है। बाकी को बच्चा, बच्चों मैं आपको 1 मिनट और दूंगा, फटाफट कीजिए कम ऑन, फिर मैं आपको बताऊं। देखो आपको फास्ट, देखो सिंपल से बात तो फास्ट करना है, कैसे बात, देखो जरा मैं करूं करना कि वेट करूं, बोलिए सबका 10-10 आंसर आ रहा है, प्रेरणा का 3 आंसर आया, चले करते हो, T99.9 क्या होगा, 2.303/T log 100/100 - 99.9 कितना आंसर आएगा, 0.1 मतलब क्या होगा 1/100 yes. 2000 हो गया तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2.303/T log 10^3, तो यहाँ पे आएगा 3 log 10, ये बन गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बचा क्या होगा, ऐसा ऐसा होगा T50% बचा क्या होगा, 2.303/T log 100/100 - 50 है ना, कितना होगा 50 आएगा, 50 2 जार, तो यहाँ पे आ रहा है log 2, यहाँ पे log 2 आ रहा है। अब बच्चों क्या करना पड़ेगा, अभी आपको यहाँ पे इसको डिवाइड कर, देखो ये आपका है पहला इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो, तो जैसा अब इसको डिवाइड करो तो क्या बचेगा, देखो ये पार्ट कट जाएगा, ये पार्ट कट जाए तो क्या बचेगा, T99.9/T50 क्या होगा, ये बचेगा 3/log 2, हाँ है ना बच्चे, log 2 क्या होता है 0.3010, हाँ है ना, होता है होता है बच्चों बताइए, या तो आप इसको आप 0.3 मान के चलो, अब क्या बचेगा, डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लेकर तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा 3 × 10^-1, ये चला जाएगा ऊपर तो क्या होगा, ये बन जाएगा 10^1, 3 कैंसिल क्या होगा, T99.95 क्या होगा, ये हो जाएगा 10 × T50% आपका आंसर आएगा 10, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1 and 0 दैट इज 10, यहाँ पर 10 आंसर ऐसे करना,
समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कैसे करना पड़ेगा आपको एग्जाम में सारे बच्चे? यस सर, यस सर। ऐसे आपको देखो, आपको स्पीड देखो, स्पीड देखना है। देखो आप यहाँ पे देखिए, जेई कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि आपका इजिली कैंसल आउट हो जाए, ऐसे वाले पूछ रहा है। ऐसा उन्होंने पूछा कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप अवंतिकी पेपर की बात करो ना, तो वहां पे आपको कैलकुलेशन टाइम लगता है। सारे बच्चे इस बात को अग्री कर रहे होंगे, सुनेहा प्रेरणा जो भी बच्चे, सारे बच्चे राइट, टाइम लगता है। तो वहां पे आप अपना आंसर कैलकुलेटर यूज करो, लेकिन जब आप जेई के पीवाई क्विज करोगे ना, तो आप ट्राई करो कि आप वहां पे कैलकुलेटर ना यूज करो। सिंपल सी बात, जेई के देखो अवंती टेस्ट जो है आपका आइडिया देता है कि अगर आपका हार्ड क्वेश्चन आता है तो कैसे उसको टैकल करोगे। आपको डीमोटिवेट नहीं करता, ये बात को समझो, है ना? तो बच्चों देखो अगेन, ये भी बच्चों सेम वैसी पार्ट का देखो, टी 90% कंपेयर करना है हाफ लाइफ, वही सेम पार्ट, सेम फॉर्मेट 2022 का क्वेश्चन। ये आपको होमवर्क होगा, देखिए 2022 का क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है क्या? हाँ वही क्वेश्चन। तो बच्चों देखो एग्जाम में बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना बताइए। यस सर। अब बच्चों हम क्या पढ़ने, देखो अभी हम पढ़ेंगे आपका अरेनेस इक्वेशन पार्ट, हम थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि जरा मैं देखता हूँ कि कोई आपका क्वेश्चन है क्या। और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है चलिए करते बच्चों। तो सारे बच्चे अभी हम क्या पढ़ने, अभी हम पढ़ने आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन में आपका क्या आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना? हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सारे बच्चे बच्चे पढ़ते क्या लिखा था गुजरा, हम ये बोलेंगे द मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर एक्सेड बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब क्या बच्चों, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो उनका स्पीड क्या बच्चों जाएगा, उनका स्पीड आपका बढ़ जाएगा, हाँ या ना? ये आपका बच्चों पहला पॉइंट होगा कि आपका टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूँ तो अब पूछिए अगर आपका जो रेट है वो भी आपके यहाँ पे बढ़ जा रहा है, हाँ या ना? आ रहा है सबको बच्चों? बताइए जरा। यस सर। यस सर। अब देखो, अब बच्चे क्या देखो, जो देखो यहाँ पे अभी जो एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल को बच्चों क्या होता है एग्जाम में आपको नॉर्मल से दिखेगी। देखिए यहाँ पे आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है N2O5 का, ओके बच्चों क्या बोला यहाँ पे देखो जरा, जब मैं इसको 50 डिग्री पे इसको रिएक्शन कराता हूँ, डिकम्पोज कराता हूँ, तो आपका रिएक्शन बच्चों आपका N2O5 से N2O4 प्लस O2 में आपका ये 12 मिनट में आपका रिएक्शन हो जाता है, ओके? अगर मैं टेम्परेचर को आधा कर रहा हूँ मतलब कि 25 कर रहा हूँ तो क्या बचेगा, सेम रिएक्शन करने कितना लग रहा है, कितना लग रहा है आपको, लग रहा है 5 घंटे। अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ जीरो कर रहा हूँ मतलब कि टेम्परेचर और कम कर दिया, एकदम जीरो कर दिया, तो कितना लग रहा है, 10 दिन, आपका 10 दिन लग रहा है, आपके यहाँ पे 10 दिन लग रहा है। तो बच्चा इसका मतलब क्या, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तब क्या बोलोगे आप, बोलोगे जो आपका रिएक्शन का स्पीड है वो आपका बढ़ जाए। तो हम बच्चे क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शन व्हेन द टेम्परेचर इज एज बाय 10 डिग्री, है ना? जब मैं टेम्परेचर को 10 से बढ़ाता हूँ तो जो आपका रेट कॉन्स्टेंट किया बच्चों को, वो आपका नियरली डबल हो जा रहा है, वो आपका नियरली डबल हो जा रहा है। समझ आ रहा बच्चों? इसे हम बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन। इजी पार्ट है, इजी लगा आपको, है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हम यहाँ पे एक अरेनियस फैक्टर की बात कर रहे हैं जो कि आपका एग्जाम में पार्ट आता है। तो बच्चा हम यहाँ बोलते हैं ये आपका अरेनियस इक्वेशन पार्ट है, ठीक है? ध्यान समझो मैं क्या बता रहा हूँ। तो बच्चा हम ये बोल सकते हैं के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो ए क्या बच्चों होता है, देखो ए का बहुत सारा नाम, बहुवचक नाम है इसका, इसको ध्यान रखो। ए इज कॉल्ड द अरेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ओके, और
प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये तीन इसके नाम है, इसको आपको पता होना चाहिए। दूसरा बात क्या बच्चों, ये क्या है, ये आपका है एक्टिवेशन एनर्जी, आर आपका है गैस कॉन्स्टेंट और टी आपका है टेम्परेचर। इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों, बताओ जरा, आया ना, आया बेसिक पार्ट? यस सर। तो बच्चों एग्जाम में, यहां से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में इस पार्ट से कैसे क्वेश्चन, बच्चन क्या बोल सकते हैं? तो बच्चन बोल सकते हैं कि आपका एग्जाम में आपका इस टाइप का बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या मैं आपको क्या जाता हूँ? ओके, याद रखो, अगर आपका ये रिएक्शन पार्ट है ना, अगर आपका ये रिएक्शन पार्ट है तो ये आपका रिएक्टेंट वाला पार्ट है और ये आपका प्रोडक्ट वाला पार्ट है। ये क्या बच्चों, ये आपका है एनर्जी बैरियर, है ना। बच्चों बच्चों अगर मैं बच्चों टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ तो क्या बचूगा, ये जो आपका एनर्जी का बैरियर है ये क्या बच्चों जाएगा, ये आपका कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या, सपोज कीजिए आप सारे बच्चों लोग ने एग्जाम दिया ना, एग्जाम था 100 मार्क का, मैं बच्चा ये बोलूंगा 100 में से 20 बच्चों ने क्या बच्चों क्या एग्जाम को पास किया, एग्जाम को पास किया, तो 100 में से 20 मतलब बच्चों क्या, मैं बोलूंगा बहुत कम बच्चे एग्जाम पास किया। क्यों बच्चों? बिकॉज मैं बोलूंगा कि मैं क्या रखा, मैंने यहाँ पे कट ऑफ को है रखा है, मैं बोलूंगा कट ऑफ रखा, मैंने यहाँ पे लिखा है 70 मार्क्स, मतलब जो भी आपका 70 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स लेके आएगा वो आपका वो एग्जाम पास करेगा। लेकिन बच्चों अगर मैं कट ऑफ कर रहा हूँ कम, मान के चलो मैं कट ऑफ कर दिया 30 कर दिया, तो बच्चा मुझे बताओ आपका जो बच्चे कितने बच्चे पास होंगे, अब यह बोलोगे आपका उसका नंबर बढ़ जाएगा, हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा, बताइए जरा, होगा? यस सर। यस सर। सिंपल से बता ना, अगर मैं कट ऑफ कम करता हूं, अब क्या बच्चों, अब आप बोलोगे कि अभी सर आपके यहाँ पे 70 बच्चे यहाँ पे एग्जाम पास कर पा रहे, तो मतलब बच्चों यहाँ पे आपका एनर्जी गैप की हम बात करते हैं। तो बच्चों रिएक्शन कैसा होता है देखो जरा, ये आपका रिएक्टेंट है, आपके यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और आपके यहाँ पे प्रोडक्ट बनकर निकल जाता है। देखो अकॉर्डिंग टू आर्नियस द रिएक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन कंबाइन विद टू फॉर्म द अनस्टेबल इंटरमीडिएट, इट एग्जिस्ट फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम, इंटरमीडिएट आपके यहाँ पे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनता है, पर आपके यहाँ पे प्रोडक्ट आपके यहाँ पे बन जा रहा है। ये पार्ट बना बच्चों, अब देखो क्या हो रहा है, देखिए सारे बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं ये पार्ट, ये बताइए जरा, ये क्या बच्चों, ये आपका बोल्ट्जमैन, ये क्या बच्चों देखो, ये आपका है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैं बच्चे बोलूंगा देखो, आप मैं बोलूंगा जब आपका टेम्परेचर था टी, तो क्या था बच्चों, आप बोलोगे इतना आपके यहाँ पे स्पीड था, ओके। अब बच्चे का क्या, जो जैसे मैंने आपको टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या बच्चे क्या हुआ, आप बोलोगे आपका एरिया बचकर आपके एरिया आपका बढ़ जा रहा है। इसका मतलब बच्चे क्या, देखो देखो दिस एरिया शोज दैट द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एट टी टाइम, मतलब क्या बच्चों आपका एरिया बढ़ जा रहा है, तो बोलोगे आपका यहाँ पे रिएक्शन ज्यादा फास्ट हो रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे पहले बच्चे बताओ जरा। yes, तो आपको बच्चों एग्जाम में आपको ग्राफ का मतलब भी आपको आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, इजी पार्ट एकदम डिफिकल्ट नहीं थे। आप बच्चे ये बोलोगे एग्जाम जैसे कुछ देखो, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है बच्चों, जो आपका डर्म है देखो, है ना, ये देखो ये क्या बच्चों, ये आपका है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, कितना आपका मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे पास में स्पीड, तो क्या बच्चों आप बोलोगे, अब बोलोगे अगर आपका टेम्परेचर बढ़ चुका है आपका जो एरिया ऑफ कर्व होगा, जो आपका एरिया ऑफ कर्व क्या बच्चों वो आपका शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड, मतलब आपका एरिया बढ़ जा रहा है। इतना पार्ट आ रहा है, यहाँ पे देखो सेम चीज आप लिखा देखो जरा, फॉर द 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, आप ये बोलोगे द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स डबल, है ना, ये आपका अर्नेस्ट इक्वेशन हम बोल सकते हैं, और ये आपका आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगे बच्चों एग्जाम में बच्चों ये टेम्परेचर कोफिशिएंट पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है। तो बच्चा बोलोगे सर एग्जाम फिर क्या पार्ट पूछा जाता है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, दो सेकंड रुकिएगा।
दिख रहा बच्चों बताइए जरा, हाँ या ना? प्रार्थना का माइक ऑन हो गया था, मैंने ऑफ कर। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन दिख रहा है, ओके ये आपका क्वेश्चन है, और दिखा था बच्चों को, कब बच्चों कुछ दो 2020 का क्वेश्चन है, अगेन कैसा है ग्राफ क्वेश्चन आया, ठीक है ना? नहीं ऑन कोई बात नहीं, मेरा गलती से हो गया था, मैंने ऑफ कर दिया, दिक्कत है, चले इट्स फाइन। देखिए ठीक है पार्ट है, अब देखो जरा ये दिख रहा है, अगेन दो बच्चों 2020 का क्वेश्चन, अगेन आपके यहाँ पे ग्राफिकल वर्क पूछा गया है। देखो है ना, अगेन बच्चा आपको ग्राफिकल क्वेश्चन आया, देखो अगेन आप एक ग्राफिकल क्वेश्चन आया, देखो सर। तो देखो बच्चों सिंपल से बात है, आप ये देख पा रहे होगे कि आपका एग्जाम जो बच्चों आपका एग्जाम ऑलवेज आपके यहाँ पे ग्राफिकल टाइप क्वेश्चन ज्यादा आता है, ओके दिख रहा है, देखो जरा हाँ है ना, है ना? यस तो बच्चों का और देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे एक इक्वेशन आपको डिराइव करता हूँ, वो वाला पार्ट करेंगे, फिर आपका हम फिर क्वेश्चन पार्ट से बात करेंगे। तो यहाँ पर अब बच्चों में कह रहे हैं बच्चों, अभी हम यहाँ पे इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं, सर बस ध्यान समझना, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर बच्चे यहाँ पे देखिए है ना बच्चों, हमारा इक्वेशन क्या था, अब बोलो के इज इक्वल टू ए टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते, देखो ये आपका इक्वेशन है ना, ये आपका इक्वेशन है, अगर आपको कुछ बोला जाए कि अगर मैं आपका टेम्परेचर को, बच्चा मेरे घर पावर चला गया बताइए, हाँ बच्चा मैं क्या बोल सकता है यहाँ पे, देखो जरा मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर मैं टेम्परेचर को बहुत ज्यादा हाई कर दू है ना, तो मतलब मान के चलो अगर मैं आपका टेम्परेचर करता हूँ इन्फिल्ट कर रहा हूँ, तो बच्चा क्या होगा, आप बोलोगे देखो यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे आपका टेम्परेचर डिनोमीटर में, देखो अगर मैं डिनोमीटर में किसी भी नंबर को बढ़ाऊंगा, मान के चलो मैंने यहाँ पे कर लिया 1 लाख कर दिया, तो बच्चों ये वैल्यू कैसा हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, हाँ या ना बताओ जरा, होगा? यस सर, यस सर। तो सिंपल सी बात है बच्चों, देखो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं टेम्परेचर को इन्फिनाइट कर दू या बहुत ज्यादा बढ़ा दू तो क्या बचोगा, आप बोलोगे ये जो पूरा टर्म है क्या बचोगा, ये हो जाएगा जीरो, बिकॉज वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, ये वन इन्फिनिटी होता है जीरो रहता है, तो अभी बोलोगे यहाँ पे आपका आएगा ए टू द पावर जीरो आ जाएगा, तो क्या होगा ये पूरा टर्म वन हो जाता है, आप क्या बोलोगे जो आपका रेट कॉन्स्टेंट क्या होगा वो आपका ए के इक्वल हो जाएगा, कब बच्चों अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई चला जाए या तो आपका इन्फिनिटी हो जाए, इतना पार्ट सबको समझ में, मेरे प्यारे बच्चों बताइए जरा, हाँ ना आया? ओके तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम में थोड़ा पूछते हैं कभी कभी, तो अभी हम इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, अब यहाँ पे बच्चों में कहते हैं हम यहाँ पे इक्वेशन को डिराइव कर, देखो जरा सारे बच्चे देखो सर, अरहेनियस फैक्टर क्या है, अरहेनियस फैक्टर राइट, देखो ए पार्ट है ना, ए वाला पार्ट बच्चों, ये आपको बच्चों ये बताता है, देखो ये आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताता है ना, कितने आपके मोल कोलाइड कर रहे हैं कोलिजन फैक्टर में बच्चों, देखो यहाँ पर हमने लिखा था, देखो लिखिए जरा कहाँ चला गया, ये देखो क्या बच्चों ये आपका है, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या तो बोलते हैं इसे बोलते हैं प्री एक्सपोजर, मतलब कि आपका कितने फ्रीक्वेंसी आपके मोलिक्यूल कोलाइड आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, देखो अगर आपका कोई रिएक्शन होता है ना, अगर आपका ए से बी कंबाइन हो रहा है, क्या पक्का आपका प्रोडक्ट बनेगा, आप बोलोगे हमेशा ऐसा नहीं होता बच्चों, क्या होना चाहिए अगर आपका रिएक्शन क्या चाहिए बच्चों, आपके यहाँ पे बच्चों प्रॉपर आपका यहाँ पे ओरिएंटेड सही होना चाहिए है ना, प्रॉपर कोलिजन होना चाहिए तभी जाकर प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चों अभी आपका जब इक्वेशन आएगा तो मैं कल आपको बच्चों पूरा इक्वेशन आपको डिराइव कर बताऊंगा, ठीक है ना, तो आपको बच्चों वहाँ पे प्रॉपरली आपको वहाँ पे समझ पाए, ठीक है ना। अभी आप खाली ये देखिए कि हम यहाँ पे इक्वेशन डिराइव कैसे कर रहे हैं और आपका आपका इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप आराम से कर लो, ठीक है अनमोल बेटा।
यस सर। चलो देखिए सर, अब यहाँ पे देखो सर, मैं आपको बता देखो, हमारे क्वेश्चन क्या बचा, देखो के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ओके, ये मेरा इक्वेशन। अगर मैं दोनों से लेता हूँ एल एन नेचुरल हो तो क्या बचोगा, ऐसा होगा इक्वेशन एल एन के इज इक्वल टू एल एन ब्रैकेट में ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी होगा बच्चों, बताइए जरा हाँ या ना। Yes, sir. तो बच्चों अगर आपका ब्रैकेट में अगर आपका एल तो क्या होगा बच्चों, ये आपका मल्टीपल ऐड हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा देखो एल एन ए प्लस एल एन ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी होगा बच्चों, बताइए जरा हाँ या ना। यस सर। अब देखिए, अब बच्चों का देखोगा ये पावर क्या हो, ये जाएगा इसके आगे, तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, मेरा क्वेश्चन ऐसा बनेगा एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी इंटू एल एन ई होगा बच्चों, बताओ जरा होगा। ये जो पावर में ई की पावर में जो बच्चों वो आपका आगे चला गया, सुनेहा करमप्रीत बताइए आ रहा है। यस सर। बच्चा आपका एल एन ई क्या होता है, ये होता है वन, ये वन होता है, तो बोलो देखो ये आपका बन गया इक्वेशन, देखो ये आपका इक्वेशन। अगर बच्चा अगर आप चाहते हो कि आप इसका एक क्या बनाओ, आपका इक्वेशन बनाओ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाओ, तो कैसे इक्वेशन बने देखो जरा, एक काम करता हूँ मैं इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, तो बच्चों का कैसा होगा देखो एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी प्लस एल एन ए होगा बच्चों, बताइए जरा होगा, मैं इसे थोड़ा रीअरेंज कर दिया, तो y इज इक्वल टू एम x प्लस सी। तो बच्चों में क्या बोलूंगा, जब मैं आपको ग्राफ बनाऊंगा, जब मैं ग्राफ बना तो क्या बच्चों दो आप बोलोगे y में जाएगा आपका ln k, तो y में गया आपका ln k, x में क्या हो जाएगा आप बोलोगे x में जाएगा आपका 1 पॉइंट, देखो ये आपका 1 पॉइंट है, देखो ये जो आपका 1 बाय t कहां पे जाएगा, ये जाएगा आपका x में, तो यहां पे जाएगा 1 बाय t, यहां पे जाएगा x में। बच्चा स्लोप क्या देखो, स्लोप क्या बच्चों दो, जो स्लोप क्या है ये आपका नेगेटिव स्लोप है बिकॉज माइनस है, तो क्या होगा ये हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर, ये हो जाएगा स्लोप। और सी बच्चों का तो सी होता है आपको होता है इंटरसेप्ट, क्या होगा जहां पे आपका कट गया तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट, मतलब ये आपका बन जाएगा एल एन ए। देखिए सारे बच्चों के दिख रहा है आपके पास, देखो क्या आपका सेम टू सेम ऐसा है, बताइए जरा हाँ या ना। यस सर। और बच्चों एग्जाम बच्चों इसी पार्ट से बच्चों एग्जाम आपको ज्यादा बार बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी पार्ट से पूछा जाता है, ठीक है, इसी पार्ट से बच्चों आपको एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे लॉग में बच्चे देखो है ना, अगर आपको एल एन को लॉग में चिंता बच्चों क्या करोगे आप बोलोगे आप ये करोगे देखो एल एन को लॉग में आप यहाँ पे 2.30 मीटर कैसा होगा 2.303 log k is equal to 2.303 log a minus ea by rt। अब क्या बच्चों मुझे सबको सबसे मुझे यहाँ पे 2.303 आपको मुझे हटाना है, तो बच्चा मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे करूंगा सारे क्वेश्चन को 2.30 डिवाइड कर दो, तो क्या क्वेश्चन बनेगा लॉग के, देखो इसको डिवाइड कर देते हो क्या हो, इसको डिवाइड सारा इक्वेशन को 2.30 डिवाइड कर दो, आपका एक बनेगा लॉग के बचेगा इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी होगा मेरे पैर बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना होगा। यस बन गया आपका, तो आपका एलएन से लॉग में कैसा है बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए, आ गया। अब देखो अगर आपका लॉग के टर्म में कुछ पूछा जा रहा है बच्चों तो एग्जाम पूछा जाएगा कि स्लोप क्या होगा, तो अब स्लोप बच्चों क्या हो जाएगा, अभी आपका स्लोप हो जाएगा माइनस ई ए बाई 2.303। अगर आपका लॉग में दिया बच्चों तो क्या आपका स्लोप आपका ये आंसर आएगा, अगर आपका एल एन में दिया तो आपका यहाँ पे स्लोप हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर होगा, तो आपको बच्चों ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, आपका एल एन में ग्राफ है या आपका ग्राफ आपका लॉग में दिया गया, लॉग में स्लोप अलग आंसर आएगा और आपका एल एन में आपका आंसर अलग आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इतना पार्ट सबको ध्यान रखना मेरे पास बच्चों, बताइए जरा हाँ या ना। यस सर।
बताइए। यस सर। ये रहा बच्चा आपका, ये रहा आपका, ये रहा आपका पूरा इक्वेशन, ये रहा आपका बच्चा पूरा इक्वेशन। डन बच्चों, देखिए जरा। ओके हाँ, नोट करना है, नोट करना है। आप कैसे देखो, मतलब देखो गिवन बच्चों, देखो आपका पूरा सिंप्लीफाई देखो कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँ कि हम कैसे अलायंस लॉग में करेंगे, पूरा मैं बता रहा हूँ। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछा तो नोट डाउन कर लो, अच्छा रहेगा। बच्चों मेरे यहाँ पे पावर नहीं है ना, टाइम खत्म हो रहा है, लैपटॉप का बैटरी खत्म हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो देखे क्वेश्चन। यस बच्चों आपको क्या निकलना है बताओ जरा। नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, नहीं ये क्वेश्चन आपका लेंदी है, कोई स्लोप में करना क्वेश्चन है क्या? देखो जरा स्लोप में करना क्वेश्चन है कोई? ओके ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? देखिए आपको निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी, आपको मैं बच्चों यहाँ पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, एक्टिवेशन रीजन। हाँ ये आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। ओके अगेन डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल वाला पार्ट ही है, आ जाएगा आपका आंसर। पता नहीं बच्चों पावर को चला गया। देखिए जरा अगेन एक क्वेश्चन, देखिए जरा प्रॉपरली एंड देखिए जरा अगेन बच्चों। 5 मिनट हम क्लास एंड कर दें बिकॉज पावर नहीं है मेरे यहाँ पर, एंड थोड़ा मुझे बच्चों टाइम बैटरी थोड़ा सेव भी करना पड़ेगा। ठीक है देख लीजिए। अगर आपके एग्जाम बच्चों दोनों ही क्वेश्चन बन तो ये बच्चों ये क्वेश्चन कल डिराइव कर देंगे ना, इसको हम कल डिराइव कर देंगे, टाइम नहीं बच्चों है ना, जब टाइम बचे तो कोई बात नहीं कल करेंगे। देखो ऐसा कलंपित हो रहा है बेटा? यस सर। यस सर। ओके थैंक यू बेटा सारे बच्चे रिस्पांस करने के लिए। बाय। देखिए जरा अब देखो एक क्वेश्चन। हाँ ओके बच्चों अच्छी बात, पता क्या है पावर आ गया और भगवान के द्वारा बच्चों पावर आ गया, तो मच्छर बड़े काट। आप ही देखिए बच्चों क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, क्वेश्चन पूछा गया आपको निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे निकल दो, ये रहा आपका सारा ऑप्शन, कैसे निकालोगे तो ट्राई कीजिए जरा, वो ट्राई कीजिए जैसे बच्चों अभी हमने किया था उस वैसे कीजिए जरा।
क्या लगा बच्चों क्या आंसर आना चाहिए? आपको निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब कि आपको ये निकालना है, आपको ये निकालना है। कैसे निकाल पाएंगे? क्या लग रहा है बच्चों? प्रार्थना, चिराग बताइए क्या लग रहा है, तुम लोग बताइए क्या लग रहा है? पूरा आंसर, पूरा आंसर चेक करें। इतना पार्ट तो सबको समझ में आ गया होगा, बताइए जरा हाँ या ना। यस सर। पक्का? यस सर। ओके, अब बच्चों क्या क्या है पे ध्यान समझो। देखो एग्जाम में देखो कितना स्मार्टली क्वेश्चन पूछ रहे बच्चों। हमने हमारे क्वेश्चन बच्चों क्या ऐसा होता था, देखो एलन के इंटू वन बाई टी, यहाँ पर थाउजेंड भी बच्चों तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका थाउजेंड भी आ रहा है ना, यहाँ पे आपका थाउजेंड भी आ रहा है, देखिए सर है कि नहीं? यस सर। तो ये किससे बना हुआ था जरा, अगर देखो सिंपल था, अगर आपका डिनोमिनेटर में अगर आपका देखो, अगर आपका वन बाय टी के अगर आपका अगर आपका यहाँ पे थाउजेंड है तो न्यूमिनेटर में होगा, यहाँ पे मुझे थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज मुझे इक्वेशन को चेंज नहीं करना पड़ेगा, राइट? हाँ है ना, बताओ जरा। yes. तो ये आपका सेम हो जाएगा, ये आपका वन पार्ट पार्ट। अब क्या बचो देखो जरा, अब ये बोलो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है माइनस ई बाई आर होता है, राइट? ई बाई होता है, स्लोप बच्चों कैसे निकालते हैं? स्लोप क्या होता है? y बाय x, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। देखो बच्चों y में क्या था, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल, तो क्या होगा? ऐसा होगा y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन होगा, बच्चों बताओ जरा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका मैक्स का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लग जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा आपका मैक्स का कॉन्सेप्ट लग जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? 10 माइनस जीरो डेढ़ बाई क्या होगा, आप बोलोगे 5 माइनस जीरो कट गया, क्या बच्चे बोलोगे? ऐसा होगा स्लोप का क्वेश्चन क्या था बच्चों, तो बोलोगे माइनस ए बाई आर इन टू थाउजेंड इज इक्वल टू 10 बाई फाइव है, क्या बताइए जरा हाँ या ना? यस यस सर। है क्या नहीं? देखो सॉरी यहाँ पे वाई टू है ना, तो हाँ स्लो अगेन स्लोप के बच्चों स्लोप होगा नेगेटिव स्लोप, तो यहाँ पे माइनस से भी आएगा बिकॉज ये आपका नेगेटिव स्लोप जा रहा है, राइट? ये आपका नेगेटिव स्लोप माइनस भी आएगा। अब बच्चे क्या होगा देखो सर, क्या होगा देखो, माइनस माइनस कैंसिल, फाइव वन जार फाइव टू जार, ये बाजार क्या हो बच्चों का, ये सॉरी यहाँ ये आपका डिनोमीटर में ना बच्चे, हाँ डिनोमीटर में आएगा, तो क्या हो चुका आप बोलोगे थाउजेंड आर इज इक्वल टू, ये चीज क्या होगा, ये आपका आ जाएगा टू थाउजेंड आर, ये आप ये जाएगा आपका जूल पर मोल, आपको चेक किलो चित क्या होगा, इसको आप करो डिवाइड कर दो है ना, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा टू टू इंटू टेन की पावर टू किलो जूल पर, सो टू आर किलो जूल पर। तो मेन बात क्या, आपको बच्चों थोड़ा सा आपको अपना नॉलेज भी लेना पड़ेगा, एग्जाम दो किसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा दे आपको बच्चों, ग्राफ से आपको एक क्वेश्चन बना पाना था, तो ये बच्चों मैं आपको बता चाहता हूँ, एग्जाम बच्चों ऐसा पार्ट आपको आया था, ये पार्ट आपका आया था, सबको आया बच्चों पार्ट, हम कैसे करिए पार्ट देखिए जरा। यस ऐसा बच्चों और भी क्वेश्चन देखो जरा, ऐसा और भी क्वेश्चन है देखिए, log k was 1 by t, ये भी 2020 से क्वेश्चन पूछा है, और मैं दिखाता हूं मैं आपको, ये तो एक्टिवेशन एनर्जी है, दिख रहा है आपको? यस सर। 2022 का क्वेश्चन देखो बच्चों, अगेन एलन के
और 1 by t. क्या दो अगेन बच्चों वो भी आपका y by x वाले लेना पड़ेगा. देखते वो है कि नहीं, देखिए है ना, बताइए जरा है कि नहीं है, है ना. तो समझ में बचा रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका पैटर्न रिपीट हो रहा है. तो ऐसे बच्चे आपको एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन समझे सारे बच्चे, बताइए. यस 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 सर. तो सारे बच्चे है ना. तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ाई किया, सूडो फर्स्ट सूडो बच्चों पढ़ाई किया, हमने गैस फेज इक्वेशन बच्चों पढ़ाई किया, और हमने टेम्परेचर डिपेंडेंसी पढ़ाई किया. ठीक है ना बच्चों, कल आपके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो बच्चों कल सॉरी गणेश जो बच्चों आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम पूरा रिविजन करेंगे, और फिर बच्चों यहाँ पे मेजर टेस्ट ले पढ़ेंगे, और आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन चैप्टर बच्चों स्टार्ट. कैसे रहे बच्चे बताओ जरा, डन? यस सर. कोऑर्डिनेशन हाँ कोऑर्डिनेशन आपको कौन सा करना है बताइए सर. कोऑर्डिनेशन ही करवा दो, स्कूल में भी कर रहा हूं सर. हेलो एल की हाँ, उसके बाद प्रार्थना उस वो चैप्टर बाद हम वो करेंगे पक्का. ठीक है वो चैप्टर होने बाद हम वो करेंगे. ठीक है डन बेटा. यस सर. चलिए बच्चों, तो बच्चों अगेन होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, मेंशन किया है बच्चों, उसको आप देखना. ओके एंड आप बच्चों सारे क्वेश्चन कर सकते. थैंक यू सो मच बच्चों, प्लीज प्रॉपर दिखाई दे दो बच्चों. अगेन कल का जो क्लास होगा बच्चों का, परसों जो क्लास होगा बच्चों, सारा फॉर्मूलास नोट डाउन कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, इतना करो तो आपका आंसर पक्का एग्जाम में आप आराम से क्वेश्चन बना. ओके चल बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर. बाय सर. बाय सर.